सर, डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने फेडरल पार्लियामेंट की बात की थी, स्विट्जरलैंड के फेडरल पार्लियामेंट की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम स्विट्जरलैंड के फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करें तो 1998 में स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण हुआ तथा इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 में लागू किया गया। अतः 1848 में निर्मित स्विस संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका के दो सब प्रमुख विशेषताएं थी। फर्स्टली बहुल कार्यपालिका और सेकेंडली संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। अतः 1999 से लागू किए गए संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ भिन्न है, लेकिन पूर्व कार्यपालिका की उपयुक्त दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन संविधान में ही बनाए रखा गया और 1848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को फेडरल काउंसिल का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को फेडरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। अतः संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो कि संघीय परिषद का था। इस संबंध में गार्नर ने डेफिनेशन दी है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच फॉल्स इन ए क्लास बाय इट्सेल्फ एंड विच डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल एंड कैबिनेट टाइप बट विच कंबाइन सर्टेन फीचर्स ऑफ बोथ इज दैट ऑफ स्विट्जरलैंड। अर्थात स्विस शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है, यह संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल रूप से भिन्न है, परंतु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है। ये डेफिनेशन गार्नर के द्वारा दी गई। इसी तरह से सी एफ स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि इट इज़ क्वाइट यूनिक अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात यह विश्व की वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। इस तरह से संघीय सरकार के बारे में गार्नर और स्ट्रॉन्ग ने अपने परिभाषा के माध्यम से बताया है। तत्पश्चात हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट का कंपोजिशन किस तरह से हुआ, कि संघीय सरकार की रचना किस प्रकार हुई। इसके लिए हम देखेंगे कि अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा शक्तियों का व्यवस्थापिका के साथ इनके संबंधों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। इसी तरह से अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है और स्विट्जरलैंड जैसे प्रबल प्रजातांत्रिक भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कारणों से किया गया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम स्विस संघीय संसद के सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहते हैं कि स्विस जनता संघीय संसद के सदस्यों द्वारा किए गए निर्वाचन को जनता द्वारा किया गया निर्वाचन ही मानती है। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता संघीय सरकार के चुनाव को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के लिए चुने जाए, इसलिए उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया। साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं और निर्वाचित होते ही संघीय संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं
अतः संघीय सरकार के सदस्य न तो कैंटन के अधीन कोई पद धारण करते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा है। इसी तरह हम इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु इनके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर भी निर्भर करता है कि यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद भंग हो जाए या नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। अतः मृत्यु, ताकपत्र या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति को चुन सकती है। अब हम इनके सैलरी, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज की अगर बात करते हैं तो संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 10 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हो तो उन्हें निवृत्ति वेतन, जिसे हम पेंशन कहते हैं, दिया जाता है, जो वेतन का 40% से 60% के बीच में रहता है। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। संघीय सरकार के अंतर्गत संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं और संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य या अधिकार और कार्य। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति का पद भी संघीय सरकार की भांति अनुपम है और यह स्विस नागरिकों की गहरी प्रजातांत्रिक और गणतंत्रीय भावना का प्रतीक है। अपनी गहरी प्रजातांत्रिक भावना के कारण ही उसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को प्रदान न कर एक समिति को प्रदान की गई है और समिति के अध्यक्ष अथवा राज्यमंडल के राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। अतः राष्ट्रपति के कार्यों को भी 2 प्रकार के होते हैं, राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में और संघीय सरकार के सभापति के रूप में। राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में अगर हम बात करते हैं तो 1914 के संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है और यह विदेशों में स्विस राजमंडल का प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता माना जाता है। अगर हम संघीय सरकार के सभापति के रूप में इनकी बात करें तो संघीय सरकार के सभापति के रूप में यह इस संस्था का सभापतित्व करता है और किसी विषय पर टाई पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का अध्यक्ष होता है और अन्य पार्षदों की भांति व कुछ प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग भी वह करता है। तत्पश्चात हम पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की स्थिति जो है इस प्रकार है कि राज्यमंडल का राष्ट्रपति प्राय शक्ति शून्य है और अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री या अन्य किसी कार्यपालिका के प्रधान से उसकी तुलना करना नितांत भ्रमपूर्ण है, क्योंकि संघीय सरकार के सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त है। इसलिए स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है क्योंकि अध्यक्ष पद का कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसलिए हैंस हूबर के शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है, किंतु यहाँ पर यह समझना गलत होगा कि स्विस राष्ट्रपति का पद सर्वथा प्रभावहीन और अनावश्यक है। अतः राष्ट्रपति पद स्विस शासन का सर्वोच्च पद है और उसके द्वारा कुछ अनेक ऐसे औपचारिक कार्य भी किए जाते हैं। तत्पश्चात हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो भारत, ब्रिटेन आदि देशों के प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये संख्या निश्चित है जो समस्त प्रशासनिक कार्यों को 7 विभागों में बांटती है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर, मिलिट्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इकोनॉमी एंड पोस्ट एंड रेलवे डिपार्टमेंट।
तत्पश्चात हम इनकी कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो संघीय सरकार में साधारणतः सप्ताह में 2 बैठकें होती हैं और संघीय सरकार में कार्यवाही गुप्त होती है और संघीय सरकार का कोई भी कार्य किया जा सके इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। तत्पश्चात हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शंस एंड पावर्स कि संघीय सरकार को कौन कौन से कार्य और शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। अतः प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्य और शक्तियों को प्रदान किए गए हैं जिसके अंदर फर्स्टली हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत वो सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध स्थापित करते हैं। सेकेंडली शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, वैदेशिक संबंधों का संचालन करते हैं, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का प्रतिपादन करते हैं और संघीय सेना का पर नियंत्रण रखते हैं। सेकेंडली हम इनके लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें तो संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते फिर भी उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। थर्डली फाइनेंशियल पावर की हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत यह संघीय बजट तैयार करती है और उन्हें संघीय संसद के सामने प्रस्तुत करती है। फोर्थली राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों के संचालन के अंतर्गत अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ साथ सहयोग भी करेगी। अतः संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अगर हम इमरजेंसी पावर्स की बात करें तो 1848 के निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान में कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ हो तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए और संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य किया है। वर्तमान संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं करता, लेकिन विगत इतिहास और व्यावहारिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संभावना ये है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लावेल ने लिखा है कि संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा गया है और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। अतः संघीय परिषद के संबंध में कही गई यह बात वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर पूर्ण रूप से लागू होती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से संघीय सरकार का संगठन गठन किया जाता है और उसमें किस तरह से राष्ट्रपति स्विस राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस एंड पावर है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।